देन नेचर ऑफ लर्निंग ठीक अच्छे तो पढ़ते बोधे डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग हाँ बोध पढ़ते सो टुडे विल डिस्कस अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग एंड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग व्हाट आर द सेवरल फैक्टर्स दैट इज रिलेटेड टू लर्निंग प्रोसेस को फैक्टर सब लर्निंग प्रोसेस को अफेक्ट करे बा लर्निंग प्रोसेस को स्पीड अप करे कि स्लो डाउन करे से सब फैक्टर बाबद डिस्कशन करिबा एवं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बाबद डिस्कशन करिबा हमें जो नेचर ऑफ लर्निंग पिला माने पढ़थिले से तरोटे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़थिले हमें लर्निंग इज ट्रांसफरेबल लर्निंग टा ट्रांसफर हे पारे फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर फ्रॉम वन टाइम टू अनदर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर सो कितने प्रकार ट्रांसफर ऑफ लर्निंग अच्छी तार कौन कौन एग्जांपल्स सब आम देखा सो स्टार्ट करिया पिला माने आज क्लास फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग वॉइस पिला माने समस्त क्लियर बुझी यस सर सो व्हाट आर द फैक्टर्स रिलेटेड टू लर्निंग को को फैक्टर्स सब लर्निंग से तो रिलेटेड पिला माने देखो नंबर वन फैक्टर इज देयर साइकोलॉजिकल फैक्टर साइकोलॉजिकल फैक्टर मीन्स द फैक्टर्स रिलेटेड टू आवर ब्रेन माइंड मेंटल प्रोसेस हम मानसिक हम माइंड सहित रिलेटेड थिबा सब प्रकार फैक्टर गुडा को हम साइकोलॉजिकल फैक्टर बोली कहिबा सेटा हम गोटे गोटे डिस्कशन करबि देन दिस पिला माने बायोलॉजिकल फैक्टर और फिजियोलॉजिकल फैक्टर फिजियोलॉजिकल फैक्टर फिजियोलॉजी कहले हम जो लाइफ प्रोसेस द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बीइंग और जो प्रोसेस हम लाइफ प्रोसेस बा जीवन प्रक्रिया जोडा हम बॉडी रे ऑटोमेटिकल चलछ हमको बंचे रखिया पे देन एनवायरमेंटल फैक्टर व्हाट आर द एनवायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग व्हिच फैक्टर्स रिलेटेड टू स्टूडेंट व्हाट आर द फैक्टर्स रिलेटेड टू टीचर्स व्हाट आर द फैक्टर्स रिलेटेड टू कंटेंट एरिया माने आम जो टॉपिक टा पढ़ुचे बा टॉपिक रो कंटेंट टॉपिक रिलेटेड फैक्ट्स ता ऊपर अछि सो फर्स्ट आम डिस्कशन करिया पिला माने व्हाट इज साइकोलॉजिकल फैक्टर सब कौन लर्निंग को केमिति अफेक्ट करे फर्स्ट ऑफ ऑल पिला माने साइकोलॉजिकल फैक्टर माने हमें जान देबो जे दिस फैक्टर्स रिलेटेड टू आवर माइंड ए फैक्टर गुड हम माइंड सहित रिलेटेड इटि नंबर वन फैक्टर पिला माने तुमर देछि फ्रस्ट्रेशन केमिति पिला माने लर्निंग को अफेक्ट करे फॉर एग्जांपल हमें कहिबा गोटे लर्नर सब इमोशनली डिस्टर्ब हो लर्नर इज इमोशनली डिस्टर्ब सब इमोशनली डिस्टर्ब हो इमोशनली डिस्टर्ब रहिबार कारण कौन कारण सेवेराल हो पारे जे तार फैमिली किसी समस्या घटी कि तार हेल्थ भल ना कि किसी डिस्टर्बांस घटू पारिवारिक कलह बाप माँ भितर झगड़ा झाटी ये सब प्रकार सेवेराल कारण हो पारे गोटे लर्नर फ्रस्ट्रेशन When one learner is frustrated, जब ये लर्नर फ्रस्ट्रेटेड रही obviously his mental balance, his psychological balance will be impaired or will be disbalanced. The psychological balanced पिला माने क्या हो बार संभावना अच्छी क्योंकि लर्नर पे फ्रस्ट्रेशन टा पिला माने सब उठरु गोटे इरिटेटिंग कॉज बा सब फ्रस्ट्रेशन गोटे लर्नर भितर इरिटेशन क्रिएट करे केवल लर्निंग प्रति नुह जेकोसी गोटे इंडिविजुआल फ्रस्ट्रेटेड रही तर सब प्रकार एक्टिविटीज पे मैंने हार्मफुल हम सो फ्रस्ट्रेशन इज द फर्स्ट साइकोलॉजिकल फैक्टर दैट अफेक्ट्स लर्निंग नेक्स्ट पे मैंने नेक्स्ट पॉइंट दे पे मैंने एप्टीच्यूड आवर एप्टीच्यूड एप्टीच्यूड टुवर्ड्स एनी प्रोफेशन गोटे प्रोफेशन प्रति आम केप्टीच्यूड अच्छी गोटे प्रोफेशन आम के स्किलफुल गोटे प्रोफेशन बाबद आमर के डेप्थ नलेज अच्छी
ଗୋଟେ ସ୍କିଲ ବାବଦରେ ବା ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାସ୍କ ବାବଦରେ ଆମେ କେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜାଣିଛେ, କେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତା ବାବଦରେ ନଲେଜ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ପିଲାମାନେ ଡିଫାଇନ୍ କରେ ଆମ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାସ୍କ। କୌଣସି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାସ୍କ ପ୍ରତି ଆମ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ କେତେ, ସପୋଜ୍ ଆମର ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ କଥା କହିବା, ଟିଚିଂ ପ୍ରଫେସନ୍ ପ୍ରତି ତମର ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଟିଚିଂ ପ୍ରଫେସନ୍ ପ୍ରତି ତମର ତମେ ଟିଚିଂ ପ୍ରଫେସନ୍ର ସବୁ ପ୍ରୋଜ୍ ଆଣ୍ଡ କନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଜାଣିଛ, କେଉଁଠି କେଉଁଠି ତାର ମେରିଟ୍ସ ଡିମେରିଟ୍ସ ବାବଦରେ ଜାଣିଛ, ଟିଚିଂ ପ୍ରଫେସନ୍ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରାଯାଏ ତା ବାବଦରେ ତମର ନଲେଜ୍ ଅଛି, ଟିଚିଂ ପ୍ରଫେସନ୍ରେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଆସିଲେ କେମିତି ତାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିପାରିବ, କ୍ଲାସ୍ରୁମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କେମିତି କରିପାରିବ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ କେମିତି କରିପାରିବ, କ୍ଲାସ୍କୁ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିପାରିବ, ଏସବୁ ବାବଦରେ ତମର ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ଦେନ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଇଜିଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଦ ଟିଚିଂ ପ୍ରଫେସନ୍। ତେଣୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟକୁ ଆମେ ଲର୍ଣ୍ଣ କଲାବେଳେ ସେ ବାବଦରେ ଆମର ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ଟା ଭାବେ ପିଲାମାନେ କ୍ଲିଅର୍ ଥିବା ଦରକାର। ସୋ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଆୱାର ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ନାଲ ଭାଲ୍ୟୁ, ଆମ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ସହିତ ଆମ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ରିଲେଟେଡ୍। ଯଦି ଆମ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ପିଲାମାନେ ପଜିଟିଭ୍ ହୁଏ ଆମ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୁଏ। ସୋ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଦିଜ୍ ଅଲ୍ ଆର୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଆୱାର ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅର୍ ମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋସେସ୍। ଯେଉଁଠି ଆମେ ନଲେଜ୍ କଥା କହିବା, ସ୍କିଲ୍ କଥା କହିବା, ଯେଉଁଠି ଆମେ ନଲେଜ୍ କଥା କହିବା ବା ମେମୋରି କଥା କହିବା ବା ପଜିଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂ କଥା କହିବା, ନଲେଜ୍ ମେମୋରି ଥିଙ୍କିଂ ଏଗୁଡ଼ା ତ ପିଲାମାନେ ଆମ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ନା। ସୋ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଇଜ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଦେନ୍ କମିଂ ଟୁ ନମ୍ବର ଥାର୍ଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ। ସେ ପିଲାମାନେ ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ କହିଲେ ଆମେ ମାନେ କ'ଣ ବୁଝୁଛେ, ବେସିକାଲି ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝୁଛେ ଯେ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା, ମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛେ, ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା। ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ବା ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ କେମିତି ପିଲାମାନେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରେ, ବେସିକାଲି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ କହିଲେ ଆମର କେଉଁ କେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ ବୁଝାଏ, ଆମର ମେଣ୍ଟାଲ ଟେନସନ୍, ଆମେ ଯେଉଁ ଟେନସନ୍ ନେଉଛେ ଟେନସନ୍କୁ ସୋ କରେ, କି ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ କିଛି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟି ଆମ ଭିତରେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି କୌଣସି ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ପାଇଁ, କି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆମ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିକ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଆଇଦର ଏଇଟା କରିବି କି ସେଇଟା କରିବି କି ଏଇଟା କରିବି, ସବୁବେଳେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ରହୁଛି ତମ ମାଇଣ୍ଡ, କିମ୍ବା ମେଣ୍ଟାଲ ଇଲନେସ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ, କୌଣସି ମାନସିକ ରୋଗ ମେଣ୍ଟାଲ ଇଲନେସ୍ ବି ଆମେ କହିପାରିବା, ମେଣ୍ଟାଲ ଇଲନେସ୍। ଏସବୁ ପିଲାମାନେ ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥର କଜ୍, ଅଧିକ ହାଇପର୍ ଟେନସନ୍ ହେଲେ ଆମ ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ବିଗିଡ଼ିଯାଏ, ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ବେଶୀ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଫିଲିଂଟା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହେଲେ ବା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟି ରଖିଲେ ଆମ ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ମଧ୍ୟ ବିଗିଡ଼ିଯାଏ। କୌଣସି ବାବଦରେ ଯଦି ଆମର କନ୍ଫ୍ଲିକ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଲସୋ ଆଫେକ୍ଟ ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ। ସୋ ବେସିକାଲି ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ଆମର ଡିଷ୍ଟର୍ବ ରହେ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ସହିତ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ହଁ ପିଲାମାନେ ଶୁଭୁଛି ପିଲାମାନେ ସୋ ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଭଲ ନ ରହେ, ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥ ନ ରହୁ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ସେଇ ଏଇ ଯୋଉ ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ପିଲାମାନେ ମାଲ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟର କଜ୍, ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ଇଜ୍ ଦ କଜ୍ ଅଫ୍ ମାଲ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ମାଲ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନେ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ମିସ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରେନି ତା ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ସହିତ, ତା ସ୍କୁଲ ସହିତ, ଟିଚର୍ସ ମାନଙ୍କ ସହିତ, ପିଅର୍ସ ମାନଙ୍କ ସହିତ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ମାଲ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ଏ ମାଲ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟଟା ପିଲାମାନେ ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍, ଆମ ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ଯଦି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ରହେ, ଡିଷ୍ଟର୍ବ ରହେ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍କୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ବେଳେବେଳେ ଦେଖିଥିବ ପିଲାମାନେ କେତେକ ପିଲା ଥାନ୍ତି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଭାରି ଭୟ ଆଉ ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ରହେ, ତାଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନେସନକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଭୟ ଆଉ ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ଥାଏ ତାଙ୍କ ମନରେ, ଏ ଯେଉଁ ଫିୟରନେସ୍ ରହିବା, ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ରହିବା, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍, ସେମାନେ ମେଣ୍ଟାଲି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଏକ୍ଜାମ ଯେତେ ପ୍ରିପେୟାର କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାମ ଭଲ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ହୁଏ ନା ସେମିତି ପିଲାମାନେ?
ତେଣୁ ଆମର କନସେନଟ୍ରେସନ ପାୱାର ଡେଭଲପ ହେବା, ଆମର କନସେନଟ୍ରେସନ ପାୱାର ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହେବା ଆମ ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆମ ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ଯଦି ଯେତେ ସାଉଣ୍ଡ ରହିବ, ଆମ କନସେନଟ୍ରେସନ ପାୱାର ସେତେ ଡେଭଲପ ହେବ, ଆମେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା ସେତେ ସ୍ମୁଥଲି କରିବା। ଆମ ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ଯେତେ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ରହିବ, ସେ ଅବଭିଅସ୍ଲି ଆମ ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେବ, ଆମ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ପୁରା ଡିସବାଲାନ୍ସଡ୍ ହେଇଯିବ କହିଲେ ଚଳେ। ସୋ ଆମ ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥଟା ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରେ ଇନ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ସୋ ପିଲାମାନେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ, ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍, ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ତିନିଟା ଯାକ ପଏଣ୍ଟ ବୁଝିପାରିଲ କି? ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟଟା ବୁଝି ନପାରିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଲା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆବିଲିଟି ଟୁ ଲର୍ନ। ହ୍ୱାଟ ଡୁ ମିନ୍ ବାଇ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆବିଲିଟି ଟୁ ଲର୍ନ? ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆବିଲିଟି ଟୁ ଲର୍ନଟା ଆମେ ପିଲାମାନେ ବେସିକାଲି ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେବେ ପିଲାମାନେ, କାରଣ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି। ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆବିଲିଟି ଟୁ ଲର୍ନ କହିଲେ ଆମେ ବେସିକାଲି ଏଇ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆବିଲିଟି ଟୁ ଲର୍ନ ଆମେ କେଉଁଥିରୁ ଗେନ୍ କରୁ? ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଦ ଆବିଲିଟି ଟୁ ଲର୍ନ କ୍ୟାନ୍ ବି ଆକ୍ୱାର୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ହେରିଡିଟାରୀ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଆମେ ହେରିଡିଟାରୀ ଫ୍ୟାକ୍ଟରରୁ ଆବିଲିଟି ଗେନ୍ କରୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ବେସିକାଲି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁ ନା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ଅପସନକୁ ପାସ୍ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ ହେରିଡିଟି ବୋଲି କହୁ। ସୋ ହେରିଡିଟାରି କ୍ୟାରେକ୍ଟରରୁ ଆମ କିଛି କିଛି ପିଲାମାନେ ବର୍ନ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥାଆନ୍ତି ବା ଜନ୍ମରୁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନଲେଜ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କାପାସିଟି କରିବା ଲର୍ଣ୍ଣିଂର ସ୍ପିଡ୍ଟା ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ଥାଏ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ କାଟାଗୋରାଇଜ୍ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଗିଫ୍ଟେଡ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଗିଫ୍ଟେଡ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର ମାନେ ଗିଫ୍ଟେଡ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର ମାନଙ୍କର କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର କ୍ୟୁରିଓସିଟିଟା ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରାସ୍ପିଂ ପାୱାର, ନଲେଜ୍ ଗ୍ରାସ୍ପିଂ ପାୱାର ଇଜ୍ ହାଇଏଷ୍ଟ, ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଗ୍ରାସ୍ ଫାଷ୍ଟର, ଦେୟାର ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ହାଇଏଷ୍ଟ, ସେମାନଙ୍କର ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଥାଏ, ଦେ କ୍ୟାନ୍ ମଗ୍ ଅଫ୍ ଅର୍ ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଟେକ୍ ହ୍ୟୁଜ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଲେସନ୍, ହ୍ୟୁଜ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ୱିଦ୍ ଇନ୍ ଦ ସର୍ଟନ୍ ପିରିୟଡ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍। ସର୍ଟ ପିରିୟଡ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍, ସର୍ଟ ପିରିୟଡ୍ରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ସେମାନେ ପଢ଼ିପାରନ୍ତି। ସୋ ଆୱାର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆବିଲିଟି ଇଜ୍ ଆନ୍ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହ୍ୱିଚ୍ ଆଫେକ୍ଟ ଦ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍। ଦ ମୋର ଆବିଲିଟି, ମୋର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆବିଲିଟି ୟୁ ଗେନ୍, ଦ ମୋର ୟୁ ଲର୍ନ, ଦ ଲେସ୍ ଆବିଲିଟି ୟୁ ୱିଲ୍ ଗେନ୍, ଦ ଲେସ୍ ୟୁ ଲର୍ନ। ସୋ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆବିଲିଟି ଅଲ୍ସୋ ଆଫେକ୍ଟ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଆୱାର ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସେସ। ଅଫକୋର୍ସ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସେସ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମେଜର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଫର୍ ଦ ଟିଚର ଟୁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦ କ୍ଲାସରୁମ୍। ଗୋଟେ କ୍ଲାସରୁମ୍କୁ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିବାରେ ଟିଚର ପାଇଁ ମେନ୍ କାରଣ ଥାଏ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସେସ। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସେସ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛେ? ଗୋଟେ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ କେବେ ବି ସମାନ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର ନଥାନ୍ତି, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର ଥାନ୍ତି, ଡିଫରେଣ୍ଟ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ଲର୍ଣ୍ଣର ଥାନ୍ତି। ମେନ୍ଟ ବି ଡିଫରେଣ୍ଟ କାଷ୍ଟ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ରିଲିଜିଅନ୍, କିମ୍ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଗିଫ୍ଟେଡ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର ଥାନ୍ତି, ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣର ଥାନ୍ତି, ଗିଫ୍ଟେଡ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର, ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣର, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିସେବୁଲ୍ଡ ପର୍ସନ୍ ମାନେ ଥାନ୍ତି, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିସେବୁଲ୍ଡ ଲୋକ ପିଲାମାନେ ବି ଥାନ୍ତି। ସୋ ଦେର୍ ଆର୍ ସେଭରାଲ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ଇନ୍ ଦ କ୍ଲାସରୁମ୍। ଯେତେବେଳେ ସେଭରାଲ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ରୁହନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଅଫକୋର୍ସ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ପାରାମିଟର ଅଲଗା ଅଲଗା ଥାଏ। ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟେଡ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର ଯାହା ଭାବେ, ଗୋଟେ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣର ମେଣ୍ଟାଲ ମେଣ୍ଟାଲ ଆବିଲିଟି ବା କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥାଏ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ରହିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ସେଟଅପ୍ ପିଲାମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଟିଚରକୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଭେରାଇଟିଜ୍ ଅଫ୍ ମେଥଡ୍ସ ଆପଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେ ଟିଚର ଖାଲି ଗୋଟିଏ ମେଥଡ଼ରେ ପଢ଼ିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଡ୍ସ ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଟୁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ ଇନ୍ ଦ କ୍ଲାସ୍, ଟୁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦ ଡାଇଭର୍ସିଟି ଇନ୍ ଦ କ୍ଲାସ୍, ଅର୍ ଟୁ ଫୁଲଫିଲ୍ ଦ ନିଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲେବୁଲ୍ସ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ଇନ୍ ଦ କ୍ଲାସ୍, ଏ ଟିଚର ହାଜ୍ ଟୁ ମଡିଫାଏ ହିଜ୍ ୱେ ଅଫ୍ ଟିଚିଂ। ତାର ୱେ ଅଫ୍ ଟିଚିଂ ଅର୍ ମେଥଡ୍ ଅଫ୍ ଟିଚିଂକୁ ମଡିଫାଏ କରିବା ଦରକାର, ମେଥଡ୍ ଅଫ୍ ଟିଚିଂକୁ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ମେଥଡ୍ରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା ଦରକାର। ଯଦି ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ମେଥଡ୍ରେ ପଢ଼ାଇବ, ଦେନ୍ ହି କ୍ୟାନ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ, ଅର୍ ହି କ୍ୟାନ୍ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ଦ ଡାଇଭର୍ସିଟି ଇନ୍ ଦ କ୍ଲାସ୍, ଅର୍ ହି କ୍ୟାନ୍
फुलफिल द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर्स सो दैट्स व्हाई टीचर को केबे हेले प्रेडिक्टेबल हवा दरकार नहीं पे प्रेडिक्ट कर पारे सर आज कौ मेथड में पढ़े सब अनप्रेडिक्टेबल टीचर सब फ्लेक्सिबल सब चेंज करदे निज मेथड सब पे भावुवे सर आज किसी नुआ पढ़े कि सर आज किसी नुआ स्टाइल पढ़े कि जो नुआ स्टाइल पढ़ेगा सर पिला जो एंथुजियास्टम पिला जो क्यूरियोसिटी ये क्यूरियोसिटा पे तो ऑब्वियसली लर्निंग लर्निंग को आगे निए कहते ना क्यूरियोसिटी इज द मदर ऑफ लर्निंग आम जिते जिते क्यूरियस हाँ आम से अधिक अधिक लर्न करवा द मोर यू क्यूरियस द मोर यू लर्न गिफ्टेड लर्नर्स मानक सब हाइस्ट क्यूरियोसिटी थाए से अधिक अधिक लर्न कर दे आर मोर क्यूरियस अबाउट सो मेनी थिंग्स ठीक अच्छे पे देन है पे फियर ऑफ फेल्युअर ऑफ कोर्स एटा लर्नर साइकोलॉजिकल फैक्टर एटा जोटा मेंटल हेल्थ डिस्कशन कले फियर ऑफ फेल्युअर इज रिलेटेड टू आवर मेंटल हेल्थ आम पे फेल हवा को बा काले भूल काले मु फेल हो काले खराब हम ये भाया फिलिंग सब लर्नर्स मान थाए से लर्नर्स मानक आमको केमी डिल करा पड़ो से मैक्सिमम टू मैक्सिमम मोटिवेशन इज नीडेड मोर यू मोटिवेट देम द मोर यू एनकरेज देम द मोर दे लर्न देयर फियरनेस विल बी डिक्रीज्ड से फियरनेस कम फियरनेस कमिज से फियर फेल्युअर ऑफ फियर जो फियर फेल हवार जो भय भितर अच्छी से कमेपा रिपीटेड मोटिवेशन निहाती आवश्यक से पाने जो आम पे जो एग्जामिनेशन प्रति एंजाइटी थाए एग्जामिनेशन प्रति भय थाए एग्जामिनेशन टाक डरती से पाने तो सीसीई इंट्रोड्यूस है जो कंटिन्यूस कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन जे पाने खाली जो एग्जाम पूरा टर्म एंड रोला मंथ एंड रोला एमती नई कि एग्जाम पूरा रेगुला प्रोसेस हो डे टू डे सबुदिन क्लासरूम एग्जाम कंटिन्यूसली चलो जहाँ फल पाने एग्जाम टाक भय करेंगे ना एग्जाम एग्जामिनेशन टाइम कौन से गोटे नुआ जिनस हम ना एग्जाम पाने भितर पूरा एग्जाम द्वारा से पूरा हैबिचुएटेड हो जो एग्जाम द्वारा हैबिचुएटेड होग्जाम भय लगे ना हो सो एग्जाम फ्लेक्सीबल हो सीसी टार्गेट तो सही एग्जामिनेशन प्रोसेस टाक फ्लेक्सीबल कर देन पे आसा अटेंशन एंड मोटिवेशन ये दुटा पॉइंट पे हमें डिस्कशन करिबा ताकु सेपरेटली अटेंशन एंड मोटिवेशन कहि दोज पिला माने अटेंशन एंड मोटिवेशन को फर्स्ट मोटिवेशन देखिया पिला माने मोटिवेशन पिला माने वर्डटा देखो मोटिवेशन वर्डटा मूवियर वर्ड लैटिन वर्ड मूवियर रु आसी जार अर्थ हैला टू मूव बा आगु जिबा बेसिकली लर्निंग कैन टेक प्लेस विदाउट मोटिवेशन बिना मोटिवेशन लर्निंग हवाटा असंभव मोटिवेशन निजे निज को मोटिवेट कर कि तुमको किए मोटिवेट करूँ बट मोटिवेशन इज द बेसिक्स ऑफ लर्निंग लर्निंग को आगे नाप मोटिवेशन टा निहाती आवश्यक आम कहुए आम नीड इज द मदर ऑफ मोटिवेशन आम भितर जो नीड थाए आम नीड टा ही आमको मोटिवेट कै गोटे लोक सका उठिकी जा कम कर कम कर तार नीड अच्छे नीड है पिला केमी खाया दब घर के चल यीड अच्छी बोले आम मोटेट होचे तुम्हें मैंने कहीं आज ऑनलाइन कोचिंग आवश्यक ऑनलाइन कोचिंग करने तुम्हें कहीं मोटेट हल कहीं ऑनलाइन कोचिंग नाप आस यू हाव नीड तुम भितर नीड अच्छी मोर आवश्यकता अच्छी जो बीएड एंट्रान्स क्रैक करी बीएड एंट्रान्स क्रैक करी टीचिंग प्रोफेशन को जी दैट इज माय नीड दैट्स व्हाई यू आर being in, interested towards Vidyasagar classes and you are being admitted to Vidyasagar classes for online coaching. So need hala amo motive need hi pila mane motivation create kare amo need ta hi amko motivate kare amo full need ra fulfillment pai hi ame motivate ho kaam kariya pai se motivation ta pila mane already agur mo discussion kari chi tabe authre kahi dus motivation ta pila mane extrinsic hei pare kimba intrinsic hei pare mon rakhiwar katha एक्सट्रेंसिव टा पिला माने सब बोले एक्सटर्नल आउ इंट्रिंसिव टा सब बोले पिला माने इंटरनल ओके सो एक्सटेंसिव मोटिवेशन कौन पिला माने देखो व्हेन ए पर्सन इज बीइंग मोटिवेटेड फ्रॉम आउटसाइड बाय समवन और समथिंग
ବାହାରୁ ଯଦି ଗୋଟେ ମଣିଷ ପର୍ସନକୁ ଆମେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରୁଛେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଲୋକ ତାକୁ ବାହାରୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରୁଛି ସେ ପ୍ରକାର ମୋଟିଭେସନକୁ ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରିନ୍ସିକ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ ବୋଲି କହିବା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ମଚ୍ ନିଡେଡ୍ ଭେରି ମଚ୍ ନେସେସରି ଫର୍ ଦ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣର ଯେଉଁ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣର ମାନେ ଥାନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସ୍ଲୋ ଲର୍ଣ୍ଣର ମାନେ ଥାନ୍ତି ସେ ସ୍ଲୋ ଲର୍ଣ୍ଣର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରିନ୍ସିକ୍ ମୋଟିଭେସନଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ଆଜି ପଢିପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣର ହେଇ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉଟସାଇଡ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ ଇଜ୍ ନିହାତି ବହୁତ ଜରୁରୀ ଆଉଟସାଇଡ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ରିୱାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ପନିସମେଣ୍ଟ ବା ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ଟିଚର ମୋଟିଭେଟ୍ କରେଇବ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିମ୍ପୁଲ ଟିଏଲ୍ଏମ୍ ଅଡିଓ ଭିଜୁଆଲ୍ ଏଡ୍ରେ ପଢ଼େଇବ ଏ ଅଡିଓ ଭିଜୁଆଲ୍ ଏଡ୍ରେ ପଢ଼େଇବା ସିମ୍ପୁଲ ଟିଏଲ୍ଏମ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ସେମାନଙ୍କୁ ରିୱାର୍ଡ ଦେବା ସେମାନଙ୍କୁ କହିକି ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବା ଏନକରେଜ୍ କରିବା ଏଗୁଡ଼ା ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଅଫକୋର୍ସ ବାହାରୁ ହିଁ କରୁଛେ ନା କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ ବା ଏକ୍ସଟ୍ରିନ୍ସିକ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ରେ ଯାଉଛି ଏକ୍ସଟ୍ରିନ୍ସିକ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦିଆହେଇଛି ଗୋଇଂ ଟୁ ୱାର୍କ ବିକଜ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ୟର୍ନ ମନି ତମେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ କାରଣ ତମ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଲା ମୁଁ କେମିତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସାଲେରି ଗେନ୍ କରିବି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଇଟା ହେଲା ପିଲାମାନେ ମନିଟା ତମକୁ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲି ମୋଟିଭେଟ୍ କରୁଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିନ୍ସିକ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ ତମେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛ କାରଣ ତମକୁ ଫାଇନ୍ ଦେବାର ନାହିଁ ତମେ ଫାଇନ୍ରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛ ଯଦି ତମେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ ହେଇଯିବ ତମେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛ କ'ଣ ପାଇଁ ଫାଇନ୍କୁ ଆଭଏଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲି ମୋଟିଭେସନ୍ ସପୋଜ୍ ତମେ କହିବା ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ଫାଷ୍ଟ ହେବି ବୋଲି ମୁଁ ପଢୁଛି ପିଲାଟି କ୍ଲାସ୍ରେ ଫାଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ପଢୁଛି କ୍ଲାସ୍ରେ ଫାଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ପଢୁଛି ମାନେ ସେଇଟା ହେଲା ପିଲାମାନେ ତାର ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ ଯେଉଁ ଆମେ କହି ଆମେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଉ ପିଲାମାନେ ଗୁଡ୍ ମାର୍କ ଭଲ ମାର୍କ ଗୁଡ୍ ମାର୍କ କିମ୍ବା ର୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ଗ୍ରେଡ୍ କିମ୍ବା ରିୱାର୍ଡ ଏସବୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନେ ଆମର ହେଇଯାଏ କ'ଣ ଏକ୍ସଟ୍ରିନ୍ସିକ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ ଦିସ୍ ଅଲ୍ ଆର୍ ବିଲଙ୍ଗ୍ସ ଟୁ ଏକ୍ସଟ୍ରିନ୍ସିକ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ ସୋ ବେସିକାଲି ପିଲାମାନେ ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ନେବା ଏକ୍ସଟ୍ରିନ୍ସିକ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ର ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ପିଲାମାନେ ମନେକର ମୁଁ କହିଲି ତମେ ୟୁ ଆର୍ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟରିଂ ବିକଜ୍ ଇଟ୍ ଇ ଲୁକ୍ସ ଗୁଡ୍ ଅନ୍ ୟୋର୍ ରିଜ୍ୟୁମ୍ ତମେ ଜାଣିଶୁଣି କି ଯେଉଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯୋଗଦାନ କରୁଛ ବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛ କାରଣ ତମ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଲା ମୁଁ ଯେଉଁ ମୋର ରିଜ୍ୟୁମ୍ଟା ତିଆରି କରିବି ସେ ରିଜ୍ୟୁମ୍ରେ ଆର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା ଆଡ୍ କରିବି ବା ଲୋକମାନେ ମୋ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିବେ ମୁଁ ପପୁଲାର ହେବି ତମେ ପପୁଲାର ହେବା ପାଇଁ ଯଦି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯୋଗଦାନ କରୁଛ ବା ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ ସେଇଟା ହେଲା ପିଲାମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରିନ୍ସିକ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ ମନେକର ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେବା ତମେ ବିଜନେସ୍ ଟ୍ରିପ୍ରେ ଯାଉଛ କାରଣ ତମ ବସ୍ ୟୁଆର୍ ବସ୍ ହାଜ୍ ଟେଲ୍ ୟୁ ଆର୍ ଗୋଇଂ ଅନ୍ ଏ ବିଜନେସ୍ ଟ୍ରିପ୍ ବିକଜ୍ ୟୁଆର୍ ବସ୍ ଟେଲ୍ସ ୟୁ ତମ ବସ୍ ତମକୁ କହିଛନ୍ତି ତମେ ବିଜନେସ୍ ଟ୍ରିପ୍ରେ ଯାଅ ସେଟା ପିଲାମାନେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ ୟୁ ଆର୍ ୱାର୍କିଂ ହାର୍ଡ ତମେ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ ବିକଜ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ବିକମ୍ ଦ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଅଫ୍ ଦି ମନ୍ଥ ତମେ ସେ ମାସର ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଅଫ୍ ଦି ମନ୍ଥ ହବ ବୋଲି ତମେ କାମ କରୁଛ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ପିଲାମାନେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ ତମେ ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ଯୋଗଦାନ କଲ ବା ସ୍ପୋର୍ଟସ ଜଏନ୍ କରୁଛ କାରଣ ତମ ଟାର୍ଗେଟ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ମୁଁ ପ୍ରାଇଜ୍ ଜିତିବି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ପିଲାମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ପିଲାମାନେ ସବୁ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ ସେଇଠି ସମାନ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଲେଖା ହବ ଏଇଠି ଲେଖା ହବ ଗୋଇଂ ଟୁ ୱାର୍କ ବିକଜ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ୟୁ ଲଭ୍ ୟୋର୍ ୱାର୍କ ତମ କାମଟାକୁ ତମେ କାମକୁ ପସନ୍ଦ କର ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ୟୁ ଆର୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ୱାର୍କ ବିକଜ୍ ୟୁ ଲଭ୍ ଟୁ ୱାର୍କ ଅର୍ ୟୁ ଆର୍ ପାସନେଟ୍ ଏବାଉଟ୍ ୟୋର୍ ୱାର୍କ କହିଲି ପିଲାମାନେ ୱେନ୍ ଦ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ ଇଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ୱିଦିନ୍ ଦ ପର୍ସନ୍ ହିମ୍ସେଲ୍ଫ ଅର୍ ହର୍ସେଲ୍ଫ ତାକୁ ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ସେ ବାଧ୍ୟ ହଉନି ସେ ନିଜେ ହିଁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ଚଏସ୍ ମୋର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ମୋର ପ୍ୟାସନ୍ ମୋର ଲଭ୍ ମୋର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନ୍ ପ୍ରତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାମ କରୁଛି ସମ୍ ଆଉଟର୍ ସୋର୍ସ ଇଜ୍ ନଟ୍ ମୋଟିଭେଟିଂ ମି କୌଣସି ଆଉଟର୍ ସୋର୍ସ ମୋତେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରୁନାହିଁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରିନ୍ସିକ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ ଅର୍ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରିନ୍ସିକ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ଟା ଏକ୍ସଟ୍ରିନ୍ସିକ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ ଠାରୁ ଅଧିକ ବେନିଫିସିଆଲ୍ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ
मीनिंगफुल लर्निंग रे इंट्रिंसिक मोटिवेशन रा निहत आवश्यक तमें जदि भल क्लास रे फास्ट टाइम भी पढ़ुच ताहले तमें बहुत जिनस घोषित दे पार तमें पढ़ाटा को एंजॉय करुच पढ़ाटा तुम भल लगे तुम टारगेट नहीं फास्ट हेबी सेकंड हेबी मुझे पढ़ी आई लव स्टडिंग आई रीड मोर एंड मोर मुझे अधिक पढ़े तुम जितेबाला से फोकसटा अच्छे पिला माने मोर पढ़ापढ़ा प्रति मोर चॉइस अच्छे तुम पैसन अच्छे पढ़ापाई से पिला माने लर्निंग ऑब्वियसली मीनिंगफुल हम आम गोटे पिलाटा को जोर जबरदस्ती रिवार्ड दे कि पढ़ेबा बाड़े कि पढ़ेबा ता कौन से गोटे टारगेट दे कि पढ़ेबा एटा तो पिला माने एक्सटर्नली मोटिवेटेड सिटी एक्सटर्नल मोटिवेशन द्वारा लर्निंग टा जति कि मीनिंगफुल न हुए इंट्रिंसिक मोटिवेशन द्वारा पिला माने लर्निंग टा अधिक अधिक मीनिंगफुल हुए यू केयर कुकिंग बिकॉज यू लाइक टू ट्राई न्यू रेसिपी तुम रोसे करछ कारण तुमको नुआ नुआ रेसिपी ट्राई करिया पे भलो लागे एटु ए क्वेश्चन टा को एक्सटर्नली आमे कह कोइबो यू आर कुकिंग बिकॉज यू आर एटा केयर हे जे पिला माने यू आर कुकिंग बिकॉज यू लाइक टू इंप्रेस योर हस्बैंड तुम हस्बैंड को इंप्रेस करियार छ सेति पई तुम कुकिंग करछ एटा तले कोन हे जो एक्सटर्नली भलो लागे तुमको नुआ नुआ रेसिपी ट्राई करिया पे भलो लागे सेति पई तुम रोसे करछ दैट इज हला इंट्रिंसिक मोटिवेशन डूइंग स्पोर्ट्स बिकॉज यू आर पैशनेट ऑन इट तुम खेल कूद योगदान कर कारण तुम टार्गेट मुझे भल कर तुम पैशनेट अच्छे खेल खेल तुमको भल लगे खेल तुम पैशन खेल तुम गोटे जिल से तुम मोटेट हो पाने आम इंट्रेनसी मोटेसन एक्जामपल ना सो इंट्रेनसी एक्सट्रेनसी पे बुझीपार आई थिंक इंपोर्टेंट जो क्यारेक्टर आटेनसन सैकोलोजिकल क्यारेक्टर फैक्टर अटेंशन टा पिला माने अटेंशन इज वेरी मच नीडेड फॉर द लर्निंग पाइम एटा एटा फंडामेंटल फैक्टर ए लर्नर हैज टू बी अटेंटिव इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ फॉर द सेक ऑफ लर्निंग लर्निंग पाइम लर्नर को अटेंटिव होबा निहत आवश्यक अटेंटिव न होले जा पडा जाउची तमे केने जानिबो अच्छा अटेंशन मोटिवेशन एटा पिला माने हम साइकोलॉजिकल फैक्टर से रिलेटेड हम साइकोलॉजी से रिलेटेड अटेंशन पिला माने वेरियस टाइप रो अछि सस्टेनटिव अटेंशन एक्सटेंडेड अटेंशन ये गुड़ाई प्रकार अटेंशन अच्छी रस बोले जो साइकोलॉजी थे पे रस सी दुई प्रकार अटेंशन कथा कही कौन से वॉलिशनल एंड नॉन वॉलिशनल व्हाट आर देखो वॉलिशनल अटेंशन एंड नॉन वॉलिशनल अटेंशन तो वॉलिशनल अटेंशन कौन नॉन वॉलिशनल अटेंशन कौन देखिए पे फर्स्ट ऑफ ऑल देखो वॉलिशनल पे मैंने वॉल्यूमटरी नॉन वॉलिशनल इनवॉल्यूमटरी वॉल्यूमटरी मैंने तुम्हें जाणी जाणी अटेंटिव हो छ एटा तुम जानी पारु न तुम अटेंशन टा पिला मान डाइवर्ट हो जाउछ एटा तुम अनकॉन्शियस माइंड एटा तुम अनकॉन्शियस माइंड रहउछ तुम अजानत रे तुम अटेंशन टा आउट जिंस आड़ की पळउछ एटा तुम जानत रे जो अटें तुम जानी जानी जो अटेंशन टा दउछ सेटा ला वॉल्यूमटरी वॉलिशनल अटेंशन तुम अजानत रे तुम अटेंशन टा जितल अन्य आड़े डाइवर्ट हो जाउछ सेटा ला पिला मान नॉन वॉलिशनल अटेंशन बा इनवॉल्यूमटरी अटेंशन निज अटेंशन व्हिच अराउज्ड बाय विल आकु विलफुली अटेंशन बोली कह जाए देख सी इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द मैथ प्रॉब्लम से मैथ प्रॉब्लम को जानिया पई ट्राई करूछि यू आर गिविंग कंसंट्रेशन व्हाइल राइटिंग एग्जाम रे लेखला बेला तमे कंसंट्रेशन दउछो जो जबरदस्ती दउछो एटा वॉलंटरी अटेंशन तमे जानी सुनी दउछो विलिंगली दउछो अच्छा सेमदी मन कर तमे एग्जाम पई प्रिपेयर करूछो पाखा पडिसा रे गोटे बाहागर सेरेमनी होउछि सिटी साउंड बाजिला तमे याडे कंसंट्रेशन दबा पे चाहौ छ कोटी एग्जाम प्रिपरेशन उपरे तमे माइंड टा ऑटोमेटिकली डाइवर्ट हो जे कोडे से साउंड अडी दैट इज हला इनवॉल्यूंटरी अटेंशन बळे बळे पिला माने जो छुआ कांदिले मार जो अटेंशन छुआ प्रति मार जो अटेंशन सेडा वॉल्यूंटरी अटेंशन नो मा जानी छनी अटेंशन दिए सेडा इनवॉल्यूंटरी अटेंशन बट जो अननोन कनेक्शन कह जाए अनकनसीयसली माँ पाद छुआ आड़ की पलि माँ छुआ कांदे माँ छुआ पाख अटोमेटिकली पल एटा पटे बढ़िया एक्जामपल टा पे मन रखित प्राय एक्जाम ओरिएंटेड पढ़े क्राइंग बेबी ए मदर इज गिविंग अटेंशन टुवर्ड्स इज क्राइंग बेबी तो माँ ता क्राइंग बेबी प्रति अटेंशन दौर दैट इज नट विलिंगफुल सी जाणीशुणी दौन एट अनकनसीयसली माँ अटेंशन पिला पल एटा को अनकनसीयस अटेंशन आम कहीपर पे इनवॉल्यूंटरी और
नन भोलिशनल अटेंशन कह जाए जो तुम इच्छा हुए नहीं तुम अटेंशन टा ऑटोमेटिकली डाइवर्ट हो जाए ठीक अच्छे आउ किए किसी गोटे एग्जांपल दियो पिला माने तुम जब बुझिल भोलिशनल आउ नन भोलिशनल अटेंशन बाबद रे एन एग्जांपल प्रज्ञा कह गोटे एग्जाम्पल भलिशनाली अटेंशन बा वॉलंटरी अटेंशन रो एग्जामिनेशन रे जो अटेंशन ता दे हुए हां एग्जाम पेपर अटेंड कला बेले एग्जाम पेपर कला बेले अटेंशन दो से तुम कहले तमे आउ किछ एग्जाम्पल दिया बुझी जदि एग्जाम्पल दे हबो से असुविधा नै जेते ट्राई करंती निजो माइंड को कंट्रोल के पई बट ऑटोमेटिकली तंग भीतर जो हार्मोनल चेंजेस आसे बा डोपामिन रो खेरण जो से माने ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हे जांदी जो माने आडी दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ नॉन वॉलंटरी अटेंशन और इनवॉलंटरी अटेंशन दे ट्राई टू कंट्रोल बट ऑटोमेटिकली दिस अटेंशन हैपेंस ड्यू टू द हार्मोनल चेंजेस हैपनिंग इन देयर बॉडीज सो बुझी पाइला पिला माने बेसिकली वॉलंटरी माने हमें कहउचे जोड़ा विलफुल अटेंशन आउ नॉन वॉलिशनल टाला जोड़ा हमें अजाणत रह जाए हमें जानुना किंतु अटेंटिव हे जाऊ ताक ता प्रति अटेंशन दो कोनो छोटे टैक्स प्रति बा कोनो छोटे काम प्रति हम अजाणत रे हम अटेंशन डा साडी के पळाए ठीक अछि पिला माने बुझिलो अटेंशन बुझिलो कि यस सर साइकोलॉजिकल फैक्टर हमें डिस्कशन करथले तब देखिया पिला माने एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एनवायरमेंटल फैक्टर्स हम लर्निंग को अफेक्ट करे जेमिति कि हम सोशल एक्सपेक्टेशन समाज रे एक्सपेक्टेशन आसे हम पाख पड़ीसा साई पड़ीसा हम थ्रू एक्सपेक्ट रखंती कोन पढ़ियो केते कोन केते भलो करछि केते खराब करछि एही हम सोसाइटी मध्ये हम थ्रू किछ एक्सपेक्ट रखे एही सोशल एक्सपेक्टेशन फुलफिल पई हमें लर्निंग करिया पई बाध्य करू हम कल्चर मध्ये पिला माने हम थ्रू डिमांड रखे आम फैमिली बैकग्राउंड मध्ये पिला माने गोटे एनवायरमेंटल फैक्टर फैमिली बैकग्राउंड जेते स्ट्रांग हबो पिला मानको सेति कि लर्निंग मटेरियल लर्निंग एटमॉस्फेयर बेटर एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करले से बेटर लर्न करिवो फैमिली बैकग्राउंड जदि खराब पिला मानको आमे जदि सपोर्ट जोगै पर नै मां बापा जदि बेसिकली आमे देखा जाय पिला माने मां बापा जदि एजुकेटेड से माने पिला मानको सपोर्ट सिस्टम जोगैले ता लर्निंग ता पिला माने डेवलप हला बुझि परथे पिला माने अब आम अचीवमेंट ता मध्ये पिला माने एनवायरमेंटल फैक्टर जे फिजिकल कंडीशन कहले एनवायरमेंट रो एयर आम एटमॉस्फेयर आम जो एरिया रोचे पे मैंने से एरिया टा केते सुस्त आम जो एरिया रोचे सपोज पॉल्यूटेड एरिया रोचे आम जो एरिया रोचे केओस एटमॉस्फेयर टा खराब सिटी गुडाए पे मैंने सोशल डेलिक्वेंट पिला माने अछंती जो माने गुनागर्दी पिला माने अछंती से मनकर डायरेक्ट इंपैक्ट चाइल्ड ऊपर पड़िवो चाइल्ड ऊपर पड़ले पिला माने तार लर्निंग प्रोसेस पिला माने अफेक्टेड हबो देन आला पिला माने दला फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर जो बायोलॉजिकल फैक्टर आमो मैच्योरिटी आमे फिजिकली जते 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 मैच्योर होबा आमर लर्निंग प्रोसेस ता पिला माने सेते ग्रेन करियो मु कहि छी पिला माने लर्निंग मोर यू लर्न मोर यू मैच्योर मोर यू डेवलप्ड तुम जते मैच्योर हबो सेते लर्न अधिक लर्निंग प्रोसेस टा तमर मध्ये सेते अधिक हबो तमे क्लास 5 रे तमर लर्निंग प्रोसेस टा जति कि थिला क्लास 10 कुल तमर लर्निंग प्रोसेस टा इंक्रीज कला ना नै
कारण एज वाइज तुम मैच्योर हल तुम एज वाइज जो मैच्योर होटा आम लर्निंग प्रोसेस को पे बढ़ाऊ आम नीड्स फिजियोलॉजिकल नीड्स फिजियोलॉजिकल नीड्स कहले आम फूड खाद्य वस्त्र बासगृह युवा पे लर्निंग को अफेक्ट कै कारण आम नीड्स ही आमको मोटिवेट कै नीड्स मोटिवेट हूँ मोटिवेट है लर्न करू फिजिकल हेल्थ गोटे लर्नर फिजिकल हेल्थ फिजिकल हेल्थ इज अल्सो पे मेजर फैक्टर ऑफ लर्निंग तुम फिजिकल हेल्थ जब खराब हो गला तुम क्लास रेडी रही क्लास अटेंटिव रही अटेंटिव न रही तुम ऑब्वियसली तुम लर्निंग पे डिसबैलेंस्ड हम कारण कह जाए साउंड बॉडी क्रिएट्स ए साउंड माइंड एंड साउंड माइंड क्रिएट्स ए बेटर लर्निंग सुंदर स्वास्थ्य ही सुंदर मानसिक स्वास्थ्य क्रिएट करे साउंड फिजिकल हेल्थ क्रिएट्स ए साउंड मेंटल हेल्थ साउंड मेंटल हेल्थ कैन इनक्रीज द रेट ऑफ लर्निंग प्रॉपर न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन अभाव पे जब माल न्यूट्रिशन हो गला तुमको खाद्य खाया मिलला ना तुम क्लासरूम बस थोड़ा कि अटेनसन दे पार पे तुम प्रॉपर न्यूट्रिशन दरकार गोटे पिला को सुषम खाद्य दरकार जी बेसिक नीड्स बेसिक खाद्य आवश्यक न्यूट्रिशन जितने स्ट्रंग हम गोटे लर्नर फिजिकाली मेन्टाली सी से स्ट्रंग हम प्रॉपर स्लीप बोर्डरूम जो फिल करू टायर्डनेस फिल करू क्लासरूम पे बोर्ड हो जाते लगातार लगातार पीरियड पर पीरियड जो पड़ जाए पीरियड गैप रखा कथा पीरियड असेसमेंट पे समय दवा दरकार क्लासरूम को एंट्री पूर्व टीचर डायरेक्ट पाठ पढ़ा न स्टार्ट कर दी किसी पे एंगेज करू कारण पे गोटे सब्जेक्ट थे से सब्जेक्ट रू बाहर तुम सब्जेक्ट को आने एंगेजमेंट करा दरकार आम जितने एंगेज करवा रिफ्रेशमेंट एक्टिविटीज करवा एनर्जेटिक एक्टिविटीज करवा से टायर्डनेस दूर हम टायर्डनेस पे दी प्रकार हो पाए फिजिकल टायर्डनेस मेंटल टायर्डनेस फिजिकल टायर्डनेस पारे जो प्रॉपर स्लीप भलेसे सोई ना फिजिकल टायर्ड अच्छी कि कौन सी फिजिकल वर्क मेनुअल लेबर करके पे आस पढ़ती से फिजिकल टायर्ड था मेंटल टायर्डनेस पे क्रिएट कर पारे कौन कहला टीचर जो पढ़ाऊँच गोटे जिनस को बारंबार बारंबार कहे गोटे जिनस रिपीटेडली रिपीटेडली बारंबार बारंबार कहे सीता मेंटल टायर्डनेस क्रिएट कर पे बोर हो जाती बोर्डरम फिल करती सो दीज आर द फैक्टर्स विज रिलेटेड टू फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स देन आम लर्नर रिलेटेड फैक्टर लर्नर सहित रिलेटेड फैक्टर जो कही पे लर्नर फिजिकल और मेंटल हेल्थ ऑलरेडी डिस्कस्ड द बेसिक पोटेंशियल ऑफ द लर्नर लर्नर पोटेंशियल जिते अधिक से अधिक लर्न कर पोटेंशियल जी कम से कम लर्न कर द लेवल ऑफ एस्पिरेशन और अचीवमेंट ऑफ मोटिवेशन लर्नर लेवल ऑफ एस्पिरेशन तुम एस्पिरेशन अधिक अच्छे अधिक पढ़ी तुम गोल से अनुसार तुम गोल डिटरमिन कर पढ़ी तुम गोल ऑफ लाइफ आम गोल ऑफ लाइफ आम एस्पिरेशन क्रिएट करे एस्पिरेशन कहले आमर जो पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग जहाँ एटीट्यूड पे जिते अधिक से लर्निंग प्रति से अधिक केयर नब तो लर्निंग प्रोसेसटा से बढ़ो से अधिक रू अधिक मोटिवेटेड हम देन है रेडनेस आउ विल पावर लर्नर रेडनेस आउ विल पावर पे मेजर फैक्टर ऑफ लर्निंग जो लर्नर रेड ना तुम पढ़ेगा भारी कष्ट कही पे हिट द आयरन होन इट इज हॉट लुहा लुहा जो गरम अच्छे से पेट दि Teach the students when they are ready. Pilamane jetole ready asen semanu ko padhai dio. Readiness and willpower, mental health, physical health, amo potential, aspiration, life or goal. These are the factors related to learner. Learner related factor. Joda ki learning process ko affect kare. Then pilamane naam dala teacher related factor. Koko teacher related factor amo learning process ko affect kare. Teacher ro pratham point hala mastery of the subject matter. Se teacher jo subject re padhau se setra jodi mastery achi, tahale pilamane. लर्निंग प्रोसेसटा पिला लर्निंग प्रोसेसटा बेटर हम पे अधिक रू अधिक लर्न करेंगे आर्ट एंड स्किल ऑफ टीचिंग कौ वे पढ़ाऊँच मेथड ऑफ टीचिंग द स्किल ऑफ टीचिंग से पे मैटर करे तार पर्सनालिटी ट्रेट्स एंड बिहेवियर्स टीचर पर्सनालिटी पर्सनालिटी ट्रेट आउ बिहेवियर टीचर पर्सनालिटी आउ बिहेवियर पे मेजर फैक्टर ऑफ लर्निंग तार लेवल ऑफ एडजस्टमेंट एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द टीचर टीचर केमी एडजस्ट कर लर्नर्स मान सहित तार मेंटल हेल्थ इज गुड और नॉट If teacher is mentally disturbed, how he can give his 100% in the classroom? Classroom में क्या मित्र 100% दो? So teacher has to be mentally fit.
टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन एंड इंटरेक्शन मेंटेन बाय द टीचर. टीचर को प्रकार डिसिप्लिन आउ इंटरेक्शन. इंटरेक्शन कहले द प्रोसेस ऑफ क्लासरूम. क्लासरूम मैनेजमेंट केमिति करछि, पिला माने से तो केमिति इंटरेक्ट करछि. दीज आर द सम बेसिक फैक्टर्स व्हिच रिलेटेड टू द टीचर्स दैट अफेक्ट्स द लर्निंग प्रोसेस. टीचर्स मान से तो ए फैक्टर गुडा रिलेटेड थाय जेटा लर्निंग प्रोसेस को पिला माने अफेक्ट करे. देन पिला माने देला हम कंटेंट रिलेटेड फैक्टर. अच्छा कंटेंट रिलेटेड फैक्टर कहले हम कोन बुझसे. कंटेंट कहले हम करिकुलम जो जहा थ्रू करिकुलम बा सिलेबस से गुडा को पिला माने केमिति हम लर्निंग प्रोसेस को इंपैक्ट कर. देखो हम कंटेंट आ जदि फ्लेक्सिबल थिवो, हम कंटेंट आ जदि सहज थिवो, हम टेक्स्ट बुक रो डिजाइन दे जदि इंटरेस्टिंग हेतिवो, ऑब्वियसली हम लर्निंग प्रोसेस ता पिला माने सेते मोटिवेटेड रहबो. तो छोटो पिला पे टेक्स्ट बुक डिजाइन करा होछ, सडा जदि पिक्टोरियल बेस्ड रहला, पिक्चर मोड रे करा गला, पिक्चोरियल मोड रे हेले कोन लर्नर मान को इंटरेस्टिंग लगे, बहुत देखा इंटरेस्टिंग लगे, से लर्निंग प्रोसेस एंथोलॉजिस्ट हम. नेचर ऑफ कंटेंट एंड लर्निंग एक्सपीरियंस. कंटेंट रो नेचर केमती है, जो कंटेंट आम एंट्री करे से कंटेंट पिला मानक एज अकॉर्डिंगली है ना नहीं, पिला मानक लेवल अकॉर्डिंगली है ना नहीं, पिला मानक नीड्स अकॉर्डिंगली है ना नहीं. जदि है तले पिला माने बेटर लर्निंग एक्सपीरियंस गेन करेंगे. सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट. कंटेंट रो सिलेक्शन एप्रोप्रिएट कंटेंट सिलेक्शन हवा दरकार. ठीक है कंटेंट सिलेक्शन बुझ. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट. कंटेंट को ऑर्गेनाइज वे रखा. कंटेंट को ऑर्गेनाइज वे रखा माने फॉर एग्जांपल तुम गोटे क्लास क्लास कथ तुम क्लास रे आज पढ़ेब ये टॉपिकटा. ठीक अच्छे फास्ट तुम सिलेक्शन करा दरकार कौ टॉपिकटा पढ़ेबी. ये टॉपिकटा पढ़ेबी ये टॉपिक रे जहाँ जहाँ टॉपिक अच्छी ये जो सब पॉइंट्स गुड़ा अच्छी से मुझे फास्ट टू शेष जाए कमी गोटे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रे पिला मानक रिप्रेजेंट करी. ए कंटेंट रे मु कोन एग्जांपल देबी, ए कंटेंट रे को मु कोन डीएलएम देबी, ए कंटेंट रे मु कोन एग्जांपल देबी, ए कंटेंट रे मु कोन टीएलएम देबी. ऑर्गेनाइज वे रे आमे जते कंटेंट आ पिला मानको डिलीवर करू सेले लर्न पिला माने बेटर लर्निंग एक्सपीरियंस गेन करंती. द इंटरनल प्रोसेस दैट एक्टिवेट्स गाइड्स मेंटेंस बिहेवियर ओवर टाइम एंड इन्फ्लुएंस ऑफ नीड्स एंड डिजायर्स ऑफ द लर्नर्स. लर्नर रो नीड्स एंड डिजायर को इंटरनल प्रोसेस पिला माने एक्टिवेट करे. इंटरनल प्रोसेस माने ए करिकुलम. आमे करिकुलम कथा कहियो एठी गोटे आ गोटे पॉइंट आमे ऐड कर दे बेरे पिला माने जोटा को आम कही पारा फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ करिकुलम. फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ करिकुलम. आम करिकुलम टा पिला फ्लेक्सिबल हवा दरकार. करिकुलम टा रिजिड हवा दरकार. रिजिड माने जहाँ अच्छी से पढ़ी माने पढ़ियो, पढ़िया पे बाध्य. जदि पिला सेटा पढ़िया पे चाहूनी टिके चेंज कर दिए ता इंटरेस्ट अकॉर्डिंगली. तुम मेथड टा को चेंज कर, तुम पढ़ेबा स्टाइल टा को चेंज कर, तुम टॉपिक टॉपिक जदि ए टॉपिक टा पिला माने डिफिकल्ट हो सहज टॉपिक पढ़ी दियो, ए टॉपिक टा पछरे पढ़ेबो. तो करिकुलम शुड बी डिजाइन्ड अकॉर्डिंगली टू द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर्स. जदि रहिबो ताहाले सेटा लर्नर मान को एक्टिवेट एक्टिव रखिबो, लर्नर मान को गाइड करिबो, लर्नर मान को बिहेवियर को मेंटेन रखिबो. सो दीज आर द फैक्टर्स रिलेटेड टू कंटेंट. मोटिवेशन आम डिस्कसन कले, अटेंशन डिस्कसन कले, तापर आम जीव पिला माने पढ़िबा आज सेकंड चैप्टर जोटा कहला ट्रांसफर ऑफ लर्निंग. ट्रांसफर ऑफ लर्निंग माने पिला माने बुझ जितेबाला गोटे कंटेंट कंटेक्स्ट रे आम गोटे जिनस पढ़ीचे आउ गोटे जगार से आप्लाय कर. ठीक अच्छे तुम्हें कॉस्टिंग पढ़िल गोटे जगार कॉस्ट अकाउंटेंट हिसाब से जॉब कर, तुम्हें कॉस्टिंग रे जहाँ पढ़ी से आप्लाय कर. तुम्हें बीएड कल टीचर हेल, बीएड रे तुमको जो टीचिंग टेक्निक पढ़ागला से तुम टीचिंग प्रोफेशन में आप्लाय कल. तर ये गोटे जगार जो नलेज टा तुम गेन कर लर्निंग लर्न कर सेटा को आउ गोटे प्रोसेस रे तुम जितेबाला अप्लाई करछ, आउ गोटे लर्निंग प्रोसेस रे तुम जितेबाला अप्लाई करछ ताकु ही पिला माने कहबे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग. कथा बुझी पाइलो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कोन पिला माने. बाकी सब जो फैक्टर गुडा डिस्कशन करली पिला माने बुझी पाइलो कि यस. सो इट इज द एबिलिटी टू लर्न इन वन कंटेक्स्ट एंड अप्लाइंग इट टू अनदर. ट्रांसफर ऑफ नॉलेज हेई पारे, स्किल हेई पारे, हैबिट्स हेई पारे किमा एटीट्यूड हेई पारे. तीन प्रकार ट्रांसफर हो पारे पिला माने पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो ट्रांसफर. मन रखी था गोटे वर्ड रे कहि दउछि पिला माने पॉजिटिव ट्रांसफर माने तमे जहा पढ़िछ सेटा जदि फर्दर तमकु हेल्प करूछि सेटा हला पॉजिटिव. तमे एबे जहा पढ़िछ सेटा जदि पछरे तमकु असुविधा रे पकै दउछि, असुविधा रे पकौछि सेटा हला नेगेटिव. तमे एबे जहा पढ़िछ से पछे जे टोटल से तमरो दरकारी होउ नै सी हला जीरो ट्रांसफर. कथा बुझ तमे मैथमेटिक्स पढ़िल, तमे जितले फिजिक्स रे प्रॉब्लम करछ से तमको मैथमेटिक्स टा हेल्प कला तल सी हला पॉजिटिव ट्रांसफर. अच्छा तमे देखो
तमे अमेरिका रे थिलो अमेरिका रे थाए जेटा बांपटिया तांकर गाडी हैंडल थाए कार हैंडल तमे सिटी बांपटिया गाडी सिखि के आछो इंडिया को जे तमे आसलो इंडिया देखले गु दहाण पट कार हैंडल सेटा बर्तन तमे सिटी जो जिंसर सिखि थलो इठी तमे पई कोन होला असुविधा इठी असुविधा रे पकेला ना नहीं इठी तमे पई डिफिकल्टी होला ना नहीं हिंड्रांस होला ना नहीं ताकू कहजे पिला नेगेटिव ट्रांसफर नेगेटिव ट्रांसफर होला प्रीवियसली हम जोटा लर्न करू प्रेजेंट लर्निंग रे हमको असुविधा पकाय कि हम प्रेजेंट लर्निंग ता प्रीवियस लर्निंग को चेंज कर दिए दी प्रकार कथा आ जीरो ट्रांसफर होला तमे जोटे आवश्यक हिउनी तमे पीजी कर दला पिला माने पॉलिटिकल साइंस कोलो ठीक अछि एक बैंक रे चक्री करछ बैंक रे जो टंका कोन छ तमे सिटी पॉलिटिकल साइंस रो कोन अप्लाई करछ जे पढछ अप्लाई करछ करछ कि पिला माने जियोग्राफी पढ़ बायोलॉजी हेल्प कर इकोलॉजी सिस्टम पढ़ चो जियोग्राफी नॉलेज हेल्प कर इकोनॉमिक्स नॉलेज पाइ तुम बिजनेस कर इकोनॉमिक्स पढ़ चो तुम ग्रेजुएशन दे सपोज बिजनेस कल से इकोनॉमिक्स स्किल आउ नॉलेज बिजनेस अप्लाई कल जो अप्लाई हो पाने कहुए पॉजिटिव ट्रांसफर ए पॉजिटिव ट्रांसफर पे दु प्रकार हो पाए गोटे लैटरल और हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर आउ गोटे वर्टिकल ट्रांसफर लैटरल और हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर और वर्टिकल ट्रांसफर पे कौन बुझ फर्स्ट लैटरल ट्रांसफर जहाँ ना हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर है लैटरल ट्रांसफर कौन हुए जो तुम्हें गोटे टैक्स गोटे प्रोब्लेम गोटे टैक्स कर तुमको आउ गोटे टैक्स मिलला सेम लेवल सेम लेवल फॉर एग्जांपल देख तुम्हें दसटा प्रोब्लेम सॉल्व कर एग्जाम तुम जो एग्जाम दवा गल से दसटा रु पांचटा पड़ा से दसटा जो दसटा प्रोब्लेम तुम सॉल्व कर पांचटा पड़ा लेवल किसी चेंज हलानी ये कौन लेवल चेंज है कि जो दसटा तुम इटे प्राक्ट कर से पांचटा पड़ा कौटी एग्जाम व्हेन द ए न्यू टैक्स इज अबाउट द सेम लेवल जो टैक्स थाए पे लैटरल ट्रांसफर यहाँ तो पॉजिटिव ट्रांसफर कारण ये तुम जहाँ लर्न कर तुमको हेल्प कला कि लेवल चेंज है सेम लेवल जो लेवलटा ये सहज प्राक्ट कर डिफिकल्ट होगा ये सहज प्राक्ट कर डिफिकल्ट हो वर्टिकल ट्रांसफर देख एग्जाम सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन इन द टेक्स्टबुक रे जहाँ वर्ड प्रॉब्लम थी तुम सॉल्व कल तर तुमको कहला ब्लैकबोर्ड रे एटा कर कि एग्जाम रे सेटा आसीला तुम इटे जो प्रॉब्लम टा सॉल्व करतलो सिटी ब्लैकबोर्ड रे अप्लाई करतलो एग्जाम रे अप्लाई करतलो जोटी अप्लाई कर दोसो सेटा हला पले माने लैटरल ट्रांसफर वर्टिकल ट्रांसफर कोन वर्टिकल ट्रांसफर सुनो जोटी लोअर लेवल टा तुमको हायर लेवल रे हेल्प करछ माने कर तुम मैथमेटिक्स रे बाबत रे नॉलेज अछि फिजिक्स रे जो क्रिटिकल प्रॉब्लम रे अछि तुम मैथमेटिक्स डेरिवेटिव इंटीग्रेशन पढ़ चो फिजिकल फिजिक्स क्रिटिकल प्रॉब्लम गुड़ा कर मैथमेटिक्स डेरिवेटिव इंटीग्रेशन लो लेवल हुए फिजिक्स क्रिटिकल प्रॉब्लम हायर लेवल से फिजिक्स जो क्रिटिकल प्रॉब्लम गुड़ा तुम कला बेले तुम मैथमेटिक्स नॉलेज अप्लाई कर लेवलटा जो बढ़ी जाऊँच लेवलटा जो बढ़ी जाऊँच से पे वर्टिकल ट्रांसफर तुम मन कर कार शिखल तुम जो ट्रक चलाउ ट्रक चल कार शिखार जो नॉलेजा तुमको ट्रक चलेगा हेल्प कला कार्टा जो लोअर लेवल हुए ट्रक टा हायर लेवल गोटे लोअर लेवल अफ नलेज जो हायर लेवल अफ नलेज अप्लाई हुए कहे वर्टिकल ट्रांसफर वर्टिकल मैंने बढ़िया जेनेल जानते वर्टिकल मैंने बढ़िया हॉरिजॉन्टल मैंने सेम सेम प्लेन सेम लाइन में रहे जो सेम लेवल अफ लर्निंग गोटे आउ गए लेवल गोटे टैक्स आउ गए टैक्स कर हेल्प कला बट सामान लेवल सी है लैटरल ट्रांसफर जो गोटे लेवल आ गए हायर लेवल को प्रोब्लेम को सल्व कर आवश्यकता है वर्टिकल ट्रांसफर बेसिकली पिला माने आमे जो नॉलेज एक्वायर करू चाइल्डहुड रे एडा हम एडल्टहुड रे अप्लाई करू चाइल्डहुड रे किछ नॉलेज एडल्टहुड रे अप्लाई हुए वर्टिकल ट्रांसफर आमे जो मैथमेटिकल ऑपरेशन सिखि थाउ बड हेले ताकू से मैथमेटिकल ऑपरेशन गुडा को अप्लाई करी बड बड प्रॉब्लम करू सेटा पिला माने वर्टिकल ट्रांसफर गुडा जो लेवल टा हाई जे आ लैटरल ट्रांसफर टा हला जो लेवल टा सेम थाए तम दिटा का ऑब्वियसली पॉजिटिव ट्रांसफर कारण तमे प्रीवियस नॉलेज टा प्रेजेंट नॉलेज रे अप्लाई करू छ पुराणा जहाँ शिखी से नुआ तुमको हेल्प करोटी हेल्प आसे से पजिट तेनाली बुझे पे पजिट ट्रांसफर एया पजिट ट्रांसफर दुई प्रकार लैटेल आउ वर्टिकल आ लैटेल वर्टिकल एग्जांपल बुझला।
बुझी पहले कि बुझी पहले नहीं पिला माने तापर आसला पिला माने नेगेटिव ट्रांसफर नेगेटिव ट्रांसफर कौन पिला माने बुझो जते बेले गोटे काइंड वन काइंड ऑफ लर्निंग ऑब्स्ट्रक्ट अनदर काइंड अन्य काइंड रे असुविधा पकाए जेंदि देजी लर्निंग होवा कथा तमे फ्रेंच लैंग्वेज सिकुथलो हला फ्रेंच लैंग्वेज सिकुथलो बर्तन फ्रेंच द्वितीय वर्ष खंडे ट्रेनिंग नहीं जाइ तापर तुमको सीखा गला इंग्लीश वार्ड तुम जो इंग्लीश वार्ड सीखिल इंग्लीश वार्ड प्रोनाउंसिएशन कला बेले से फ्रेंच एक्सेंट आसला तुम भितर फ्रेंच शैली तुम कह ट्राए कल तेनाली फ्रेंच लांगुएजा तुम इंग्लीश लांगुएज लर्णिंग तुम्हें हेल्प कला ना बाधा सजिला सेटा हला पिला नेगेटिव ट्रांसफर जेटा मु कहतली तुम लेफ्ट साइडेड कार ड्राइव सीखी अमेरिका रे जो इंडिया को आसल से राइट साइड कार ड्राइव सीखिल यहाँ पर तुम लेफ्ट साइड टा तुमको राइट साइड अप्लाई करने असुविधा हला देख पिला माने तुम बेसिकली जो छोट बेले सीखी था जे आमको शिखा जाए प्लस रु माइनस जो आम बड़ संख्या सान संख्या फेड़ पार ना शिखा था पंचम पर्यटन क्लास फाइव पर्यटन तुम शिखा नहीं बड़ संख्या सान संख्या फेड़ पार ना तुम क्लास सिक्स को आस से इंटीजर आसे तुमको सी सान संख्या बड़ संख्या फेड़ दिखे भाव प्रिवियसली मुझे लर्न करते बर्तमान प्रेजेन्ट हिंड्रांस है उल्टा कथ कह बेले बेले आम पे शिखी था जो भी भावेल थी तुम आन लगे भावेल लेटर थे ए आई ओ यू थी आन लगे तो पे जो बड़ क्लास पढ़ाते कह जाए ना भावेल लेटर थी आन लगे ना भावेल साउंड थी आन लगे कह जाए ना मे पे हिंड्रांस प्रिवियस लर्निंग प्रेजेंट लर्निंग हिंड्रांस हुए नेगेटिव ट्रांसफर नेगेटिव ट्रांसफर पे दि प्रकार देख गोटे रेट्रोआक्टिव इनहिबिशन आउटे प्रोआक्टिव इनहिबिशन ये दुटा वार्ड बुझ फर्स्ट ऑफ ऑल जान पिला माने रेट्रो माने पुराना प्रो माने नुआ जो प्रेजेंट लर्निंग टा तुम प्रीवियस लर्निंग को चेंज कर असुविधा पकाउ तुम वर्तमान जहाँ शिखुछ से तुम प्रीवियसली जहाँ शिखी से असुविधा हो प्रेजेंट लर्निंग ऑब्स्ट्रक्ट द प्रीवियस रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन तो प्रीवियस ऑब्स्ट्रक्ट द प्रेजेंट ताको कह जाय माने प्रोएक्टिव प्रेजेंट ऑब्स्ट्रक्ट द प्रीवियस दैट इज प्रीवियसली तुम इंग्लिश वर्ड सीखी बर्तमान तुम फ्रेंच सीखिल फ्रेंच सीखला बेले इंग्लिश कहिबा इंग्लिश रो जो वर्ड गुडा को प्रोनन्सिएशन चेंज हो गला एटा हला प्रेजेंट लर्निंग ऑब्स्ट्रक्ट प्रीवियस दैट इज रेट्रो व्हेन प्रीवियस ऑब्स्ट्रक्ट प्रेजेंट प्रीवियसली तुम पढ़ी जो बड़ संख्या सान संख्या फेड़ पार ना बर्तमान तुम बड़ संख्या सान संख्या सान संख्या सान संख्या बड़ संख्या फेड़ पार ना पढ़ी प्रीवियसली बर्तमान तुम सान संख्या बड़ संख्या फेड़ पार क्लास सिक्स बर्तमान प्रीवियस लर्निंग प्रेजेंट लर्निंग ऑब्स्ट्रक्ट हो प्रेजेंट लर्निंग प्रीवियस लर्निंग ऑब्स्ट्रक्ट हुए दैट इज रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन जो प्रीवियस लर्निंग प्रेजेंट लर्निंग ऑब्स्ट्रक्ट हुए दैट इज प्रोएक्टिव इनहिबिशन ये दुटा वर्ड बुझी पाइल कि पिला माने ना बुझी पाइल ना कह जीरो ट्रांसफर देख तुम मैथमेटिक्स डिग्री पाई होटेल रोसे कर मैथमेटिक्स डिग्री होटेल रोसे रे तुम कौन हेल्प करथो कि करथो नहीं सर नो सर अप्लाई करथो से डेरिवेटिव फार्मूला डेरिवेटिव अप्लाई होथियो नो सर नो सर दैट इज जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग तो हमें पिला माने डिस्कशन करले पॉजिटिव ट्रांसफर जीरो ट्रांसफर नेगेटिव ट्रांसफर और बाकी जितिक फैक्टर्स भाबु जी पिला माने सब बुझि पाइलो ना कहार किछ असुविधा रहला ठीक को मन कली कह असुविधा कौन रहा बुझे सब पे पढ़े हाउ आस क्वेश्चन को आस मैं दस टाइम क्वेश्चन अच्छी पांच मिनट लगे डिस्कशन कर दवा पॉजिटिव
हां को कोन होला नॉलेज ऑफ बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन पॉजिटिव ट्रांसफर पॉजिटिव वेरी गुड এটা কো লার্নিং লজ অফ মোশন ক্যান বি হেল্পফুল টু ডিডিউস ইকুয়েশন অফ মোশন এন্ড টু সলভ ভেরিয়াস প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেমস ইন ফিজিক্স হুইচ টাইপ অফ ট্রান্সফর ইজ দিস এটা কো প্রকার ট্রান্সফর ল্যাটারাল ল্যাটারাল সেম লেভেল তুমি কল ভার্টিক্যাল তুমি সেম লেভেল তুমি লজ অফ মোশন পড়লে ইকুয়েশন অফ মোশন বাহার কল প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেম সলভ কল লেভেল বড়িলা না লেভেল কমিলা বড়িলা তো বড়িলা লেভেল বড়িলা ভার্টিক্যাল You are studying as a you have target to stand first in the class. तमे पढ़ो चो कारण तमे target लाम class रे first है भी. What type of motivation is? Extensive. ये जी first last rank जोड़ी ऐसी हो mark जोड़ी ऐसी हो सब पिला माना हमें extensive मर जाओ. Teachers encouragement and style of teaching. Teachers जो encourage करो सुन्दी और जो style ले पढ़ो सुन्दी. शेरा गोटे पिला पावी कौनो? लर्नर रो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ करिकुलम इज नॉट रिलेटेड टू लर्नर मोर एज बढे हम एज बढले म कहिथिल लर्निंग रो स्पीड कमी जाए हम जित अधिक मैच्योर होबा से त अधिक लर्न करबा लर्नर को तो रेडीनेस तो निहति आवश्यक करिकुलम सहित लर्नर रो किछ संपर्क नै नॉट रिलेटेड कहिथिल बा ठीक अछि होइ छथि फॉलोइंग जे टीचर रिलेटेड फैक्टर नेचर ऑफ कंटेंट फिजिकल कंडीशन मास्टरी ओवर कंटेंट एरिया स्टडी ओवर कंटेंट एरिया एवला क्वेश्चन तुम देखि पर जो पिला माने टीचिंग एप्टिट्यूड भी देखु छ ना नहीं एवला क्वेश्चन यस सर यस सर यू आर वर्किंग एट होम तुम घरे काम करतलो सडनली सम कॉलिंग बेल रैंग संगे संगे कॉलिंग बेल बाजिला एटा को प्रकार अटेंशन नॉन तुम जाई घर कबाड़ खोलिबो तुम जानि जानि खोलिबो ना अजानतरे खोलि दो जानी जानी जोटा कर वैसे कौन बोलिसनल ना नॉन बोलिसनल बोलिसनल व्हिच इज वॉलंटरी इन नेचर कोटा वॉलंटरी बोलिसनल ना नॉन बोलिसनल ना ट्रेडिशनल ना अलग देव वॉलंटरी बोलिसनल 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 इज यू आर प्लेइंग चेस आज यू आर एंजॉय द गेम तमे चेस खेल छ कारण देह तम भलो लागे এটা কোন প্রকার মোটিভেশন ইন্ট্রিনসিক অরশ্রী অরশ্রী আছতি অরশ্রী অনলাইন আছ অরশ্রী ক্লাস রে প্রেজেন্ট আছ হ্যালো নাই কি আচ্ছা ঠিক আছে অরশ্রী স্টুডেন্ট অফ বিদ্যাসার ক্লাসেস ইজ ভেরি মাচ কিন টুয়ার্ডস হার লার্নিং অ্যাজ শি ইজ প্যাশনেট এনাফ টু বিকাম এ টিচার ইন হিজ ফিউচার অরশ্রী ইজ মোটিভেটেড ইন্ট্রিনসিক কো প্রকার মোটিভেটেড ইন্ট্রিনসিক অরশ্রী ক্লাস রে আছটি না না আচ্ছা তমন নাটা एग्जांपल রে এন্ট্রি কর দিলি No, he's not in the class. Okay, Pila Mane. Thank you very much. Thank you, sir. For attending the class. Thank you, sir. How are you going to do this? Yes, sir. How are you going to do this? Sir, more. Did you call me in the class? Sir, I was going to show you the show. So, I was going to call you in the class. Who class did you do? सर आम चंद सर आम ग्रुप रे मेसेज करथने कि टीचिंग एप्टिट्यूड क्लास 11 टा नु हबो त हम वेट करनी जे शो करना नि आप तुम कोन कर क्लास होतले बा क्लास मजे फोन कर दिलु हां कोन असुविधा कोन क क्षमा करी सब प्रॉब्लम क अच्छा असुविधा
सर माने असुविधा है ना जे मु आधार जॉइन करन को तो सर सर आपन जदि नोट्स पठे तने थाने बुझि हां नोट्स पठे दो YouTube रे अपलोड हो देखि दो क्लास ठीक है जी हां निश्चय से हो पिला माने धन्यवाद सर मोर गुड प्रॉब्लम हां को सर गुटे स्टूडेंट को माने केते समय सोइबा दरकार केते समय सोइया दरकार पर स्लीप करिया दरकार माने तार मजे माने नेसेसरी बेस्ट ओके आंसर करो पिला माने के जान छ 6 to 8 hours 7 to 8 hours से कम सोइले मेंटली डिस्टर्ब होय टायर्डनेस क्रिएट हो बहुत प्रकार असुविधा हे पर तो बायोलॉजिकल क्वेश्चन मैडम को पचार दो बायोलॉजी मैडम सर थैंक यू सर हो पिला माने धन्यवाद थैंक यू